आज की जीवन शैली और वास्तविक दुनिया को देखने के बाद यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि कई अरबों साल पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, यानी कि ना तो स्पेस और ना ही टाइम। अब सवाल उठता है कि आखिर स्पेस और टाइम की शुरुआत कैसे हुई, और जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और ये पूरा ब्रह्मांड आखिर अस्तित्व में कैसे आया, तो इस सवाल का जवाब है बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार करीब 13.8 बिलियन साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट में सिमटा हुआ था और अचानक से फैल गया। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड अनंत यानी कि इनफाइनाइट नहीं है। 20वीं शताब्दी के कुछ सालों तक वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड इनफाइनाइट और एजलेस यानी कि ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है, लेकिन यह मान्यता तब तक ही अस्तित्व में रही जब तक अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने गुरुत्वाकर्षण को सरल तरीके से परिभाषित नहीं कर दिया, और जब तक एडविन हबल ने यह नहीं खोजा था कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बिग बैंग थ्योरी को ही स्वीकार क्यों किया गया, और कैसे बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने की सबसे सटीक जानकारी देती है। हमारे आज के उपकरण हमें ये अनुमति नहीं देते कि हम अतीत में देखकर ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने की इमेजेस या वीडियोस कैप्चर कर सकें। आज हम जो कुछ भी बिग बैंग थ्योरी से जानते हैं वो सब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और मॉडल्स की वजह से है। सन 1964 में दो वैज्ञानिक टेलीफोन लेबोरेटरी में रेडियो रिसीवर बना रहे थे और उन्होंने गलती से बिग बैंग के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को कैप्चर कर लिया, जिसे यूनिवर्स की पुरानी इमेज के रूप में मान्यता दी गई। ये सारी चीजें बिग बैंग में किए गए दावों को और ज्यादा मजबूत करती चली गई। समय के साथ हमारे उपकरण और ज्यादा आधुनिक हो गए, और जब हबल टेलीस्कोप का निर्माण हुआ तो इसने बिग बैंग और ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग चीजों की साफ सुथरी इमेजेस कैप्चर की। एक अध्ययन से पता चला कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और समय के साथ इसके फैलने की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। अब जहां ज्यादातर वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, वहीं कुछ वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने की अलग अलग थ्योरीज देते हैं, लेकिन हम उन थ्योरीज के बारे में किसी और एपिसोड में जानेंगे। आइए जानते हैं कि बिग बैंग की शुरुआत कैसे हुई और आखिर कुछ नहीं से इतना सब कुछ अस्तित्व में कैसे आ गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिग बैंग कोई विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड बहुत ही छोटे पार्टिकल से एक सेकंड से भी कम समय में फैल गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि स्पेस किसी और चीज में नहीं फैल रहा है, बल्कि स्पेस अपने आप में फैल रहा है, क्योंकि फिजिक्स के नियम और डेफिनेशंस के हिसाब से ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के पहले सेकंड में इसका तापमान करीब 10 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया तो इसका तापमान भी घटता चला गया, जिसके साथ फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, और फिर लगातार होते बदलाव के कारण स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स जैसी चीजें अस्तित्व में आती गई। अब एक बार फिर उस पॉइंट पर नजर डालते हैं जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह ब्रह्मांड शुरुआत में एक बहुत ही छोटे पॉइंट में सिमटा हुआ था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पॉइंट यानी कि बिग बैंग से पहले क्या था, क्योंकि इस जगह पर न तो फिजिक्स के नियम काम करते हैं और न ही समय मौजूद है, जिसके कारण इस पर कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या इससे पहले भी कोई यूनिवर्स था जो समय के साथ एक छोटे से पॉइंट में सिमट गया, या फिर क्या यह पहला यूनिवर्स है, और आखिर बिग बैंग की शुरुआत क्यों हुई। वैज्ञानिक इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन 2019 में छपे एक आर्टिकल के हिसाब से
वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने सफलतापूर्वक यह पता लगा लिया है कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। इस आर्टिकल पर दी गई थ्योरीज के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।